रेलवे कॉलोनी भिलाई 3 के खेल मैदान को बेहतर तरीके से व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए रायपुर DRM से चर्चा की जाएगी। साइकिल भ्रमण पर निकले महापौर निर्मल कोसरे ने खिलाड़ियों से मिलकर इस बात का भरोसा दिया। वहीं उन्होंने पालतू मवेशियों को खुले में छोड़ने वालों को चेतावनी भी दी। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे आज लगातार चौथे रविवार को साइकिल भ्रमण पर निकले। वसुंधरा नगर दक्षिण स्थित अपने निवास से साइकिल पर सवार होकर पार्षद और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ निकले महापौर ने सिरसा चौक, बजरंगपारा, गांधीनगर, नेहरू नगर, आजाद चौक, रेलवे कॉलोनी डबरापारा, बिजली कॉलोनी सहित भिलाई 3 बाजार वार्ड के नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्या और विकास की प्राथमिकता को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान रेलवे कॉलोनी मैदान में फुटबॉल का अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों ने महापौर को मैदान के चारों ओर लगे तार घेरा के कुछ स्थानों पर टूट जाने के चलते मवेशियों के अंदर आने से हो रही दिक्कत की ओर ध्यान आकर्षण कराया। श्री कोसरे ने शीघ्र ही तार घेरा को व्यवस्थित करने के साथ रेलवे DRM से चर्चा कर मैदान को बेहतर स्वरूप प्रदान करने का आश्वासन दिया। खुले में घूमने वाले मवेशियों को लेकर लोगों से मिली शिकायत पर उन्होंने मवेशी पालकों को चेतावनी भी दी है। महापौर ने कहा कि मवेशी पालक अपने मवेशियों को खुले में छोड़ते हैं तो रोका छेका अभियान के दौरान पकड़कर जरवाए व गनियारी के गोठान में ले जाया जाएगा। डबरा पारा में पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद नहर पारा क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने पाइपलाइन विस्तार कराने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। साइकिल भ्रमण के दौरान महापौर के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया, MIC सदस्य पूर्व पार्षद लावेश मदनकर, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री पप्पू चंद्राकर, एल्डरमैन राजेश बघेल, कांग्रेस नेता मिलिंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।